सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गत एक महीने पूर्व बाइक सवार अधिवक्ता की गोलियों से भूनकर हत्या करने वाले एक आरोपी को अपराध जांच शाखा होडल ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है और उसके कुछ फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दम्बिश दे रही है। डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि गत 27 नवंबर को गांव धमाका निवासी धर्म प्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई ओम प्रकाश एडवोकेट की गांव के समीप कार सवार कुछ हमलावरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। इसी दौरान CIA होडल चार्ज विश्व गौरव को 30 दिसंबर को सूचना मिली कि अधिवक्ता ओम प्रकाश की हत्या करने वाले गिरोह का एक साथी आगरा चौक पर मौजूद है। CIA टीम इंचार्ज विश्व गौरव ने टीम गठित कर मौके पर दम्बिश दी और गांव कुसलीपुर निवासी नरेंद्र उर्फ मत्रू को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी मत्रू को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है और उसके साथियों की तलाश जारी है। पुलिस आंकड़ों के अनुसार आरोपी मत्रू पर पहले भी हत्या व लूट के 5 संगीन मामले दर्ज हैं, जिनमें वर्ष 2014 में मत्रू ने गोली मारकर अपने ही भाई की हत्या कर दी थी। वर्ष 2015 में कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत लूट की वारदात को अंजाम दिया व झगड़े का मामला दर्ज है। इसी प्रकार शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीमतला मोहल्ले के दहशत फैलाने की नीयत से हवाई फायर किया। भवन कुंड चौकी के अंतर्गत एक व्यक्ति हाथ पैर तोड़ने का मामला दर्ज है। मृतक का लड़का है अंकित और हेमू सचिन और इनके आपस में पेशी के दौरान कोर्ट में झगड़ा हुआ और उसी रंजिश की वजह से उन्होंने अंकित के फादर को ओम प्रकाश का मर्डर किया है। उसी कोर्ट में पेशी के दौरान इनका झगड़ा हुआ था। हेमू के इन्हें फोन से फिर मैं कंटेक्ट करके फिर इसका झगड़ा सचिन खेड़ी मेरे बुरा ने इन्हें जेल से कंटेक्ट करके इसका ओम प्रकाश का मर्डर किया। कुल कितनी गोली मारी थी? गोली 10-11 गोली मारी, 10-11।